तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तुम लोग फिर से आ गए एक नए वीडियो के साथ, जहाँ पे आज हम कंपैरिजन करने जा रहे हैं एंड्रॉयड वर्सेस आईओएस का, जो कि आजकल एंड्रॉयड आईओएस में ज़्यादा डिफरेंस नहीं रही है। उसी में से कुछ कॉमन चीज़ जिसका आज हम लोग कंपैरिजन करेंगे, जैसे कि कंट्रोल सेंटर। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आईफोन का कंट्रोल सेंटर है, आईओएस वर्जन 14 का ये कंट्रोल सेंटर है। और अब एंड्रॉयड में भी ऐसे ही कंट्रोल सेंटर आने लगे, तो हम लोग एंड्रॉयड में भी ऐसे कंट्रोल सेंटर देख सकते हैं। तो आइए हम लोग एंड्रॉयड में देख लेते हैं। तो हमारे पास है यहाँ पे रेडमी नोट 11 प्रो प्लस 5G, जिसका MIUI वर्ज़न 13 है, 13.0.3.0, और इसका एंड्रॉयड वर्ज़न है 12, एंड्रॉयड वर्ज़न 12, MIUI वर्ज़न 13। इसका कंट्रोल सेंटर भी बिल्कुल आईफोन के जैसे कर दिया गया, आईओएस के जैसे। तो आइए हम इसका सिंपली वो सेटिंग को ऑन कर लेते हैं। ये लेटेस्ट अपडेट वर्जन है सबसे MIUI का। सिंपली जाते हैं कंट्रोल सेंटर स्टाइल में, पहले हम ओल्ड वर्ज़न देख लेते हैं। ओल्ड वर्ज़न तो आपने देखा होगा, लेकिन फिर भी देख लेते हैं हम एक बार ये ओल्ड वर्ज़न, और हम न्यू वर्ज़न को एक्टिवेट कर लेते हैं। सिंपली यहाँ पर क्लिक करना है हमें, और ये वर्ज़न एक्टिवेट हो जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये एंड्रॉयड MIUI 13 का कंट्रोल सेंटर है, जो कि बिल्कुल एकदम आईफोन के जैसा बना दिया गया है। आईफोन की सेकेंड कॉपी हम इसे कह सकते हैं, फर्स्ट कॉपी भी कह सकते हैं। वैसे आप अपना पर्सनल ओपिनियन कमेंट में ज़रूर बताएं, फर्स्ट कॉपी में सेकेंड कॉपी में रखा जाए इसे। और हम सिंपली इसे अगर लेफ्ट साइड से स्क्रॉल करते हैं तो नोटिफिकेशन बार आता है, और सिंपली अगर राइट साइड से क्लिक करते हैं तो कंट्रोल सेंटर आता है। तो ये कंट्रोल सेंटर है, और इसमें एक नया फीचर ऐड किया गया है, स्मार्ट डिवाइसेस, जिसके इन्फॉर्मेशन तो अभी मैं आपको नहीं दूंगा। अगर आपको फुल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट में बताइएगा। पर्सनली मुझे ये कंट्रोल सेंटर बहुत ही अच्छा लगा, आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर ऐसी वीडियोस आपको अच्छी लगती है तो, और भी ऐसी वीडियोस मैं अपने चैनल पर अपलोड करूँ।